आप बड़े भाग्यवान हैं राजन कि आपके आमंत्रण पर भारतवर्ष का पूरा सभ्य समाज आपको बधाई देने और आपके राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिए यहां एकत्रित हुआ है। मैंने अपनी लंबी जीवन यात्रा में ऋषियों का ऐसा समूह कभी नहीं देखा। इनके यहां उपस्थिति ही इस बात को सिद्ध करती है कि इस राज्य में और इस राज्यसभा में सदैव ही ईश्वरी कृपा की वर्षा होती रहेगी। राजन, आपके सारे सगे संबंधी भी यहां आए हुए हैं, तो आदरणीय अतिथियों का सत्कार कीजिए, अलग अलग उनकी पूजा कीजिए। जो आज्ञा, परंतु पहले किसकी पूजा करूं पितामह? जो सर्वश्रेष्ठ हो। तो पहले महर्षि व्यास की पूजा करूं या आपकी? ना ही महर्षि की और ना ही मेरी। आज आप धर्म के प्रतिबिंब है राजन। आपकी आंखों को तो यह देख लेना चाहिए था कि इस सभा में ही नहीं पूरे त्रिलोक में ही यदुवंश शिरोमणि वासुदेव श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की अग्र पूजा हो ही नहीं सकती। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये मुझे प्रिय है, ये मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि मैं इनका भक्त हूं। क्या आप ये नहीं देख रहे कि भारतवर्ष के इन जगमगाते मुक्तों के बीच में ये ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो तारों के झुरमुट में चंद्रमा, और जब चंद्रमा के दर्शन हो रहे हो तो तारों की ओर कौन देखता है? जैसे अंधकार की चुनरी ओढ़कर सोई हुई धरती सूर्य के शुभागमन से जाग उठती है और वायुहीन स्थान वायु का स्पर्श होते ही जीवित हो उठता है और सांस लेने लगता है, वैसे ही देवकी नंदन के इस राज्यसभा में होने से यह राज्यसभा जगमगा भी रही है और सांस भी ले रही है। तो क्या इनके यहां होते हुए स्वयं महर्षि व्यास अग्र पूजा के लिए आगे बढ़ सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। ये यहां हैं और इनके होते हुए कोई और पूजनीय हो ही नहीं सकता। यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो अवश्य बोल सकता है। अपना स्थान ग्रहण कीजिए देवकी नंदन। आइए। जब अग्रिम पूजा के हित माने भीष्म पितामह माधव को, जब अग्रिम पूजा के हित माने भीष्म पितामह माधव को, सब धन्य कहें सब धन्य हुए अरु धन्य करें मानव भव को, तब निश्चित ही निश्चिंत हुए कर पूजन अर्पण चरणन को, सब
अब मान गए यह मान रहे बस केशव को बस केशव को बस केशव को बस केशव को नकुल ये तुम किसकी अग्र पूजा कर रहे हो प्रिय शिशुपाल तुम चुप रहो और तुम ये भी मत समझना कि ये राजी महाराजी ये महारथियों का पूरा समुदाय तुमसे डर कर तुम्हारे राजसी यज्ञ में आया हुआ है अरे हम तो ये सोचकर आए थे कि धर्म का अर्थ तुम हम सबसे अधिक जानते हो इसलिए तुम्हें सम्राट बन जाने दें परंतु तुमने इस ग्वाली की अग्र पूजा करके सारे राज समाज को अपमानित किया है शिशुपाल जब एक शब्द भी मुझे निकाला तो जान से मार डालूंगा भीम अर्जुन ये क्या अनुज शिशुपाल हमारे अतिथि हैं महाराज ठीक कह रहे हैं भीम भैया प्रिय अर्जुन अतिथेय की मर्यादा का उल्लंघन ना करो तुम बोलते रहो शिशुपाल क्योंकि ये तुम्हारे ही बोलने का दिन है अरे बोलूंगा क्यों नहीं क्या मैं तुझसे डरता हूं अरे मैं तो ये भी नहीं मानता कि तू मेरे मामा वसुदेव का पुत्र है और तुझको तो ये स्थान ग्रहण करने का अधिकार ही नहीं है क्योंकि ये स्थान या तो महर्षि व्यास ग्रहण करें या हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र स्वर्गीय महाराज कंस के दास नंद के पुत्र का मुख्य अतिथि के स्थान पर बैठना सारे राज समाज का घोर अपमान है शिशुपाल और ये पितामह बन बैठे भीष्म तो सख्या गए इनकी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा भी ढोंग है ढोंग यदि ये प्रतिज्ञा ना भी करता तो भी ये वीरहीन ये निस्सहाय ये नपुंसक ब्रह्मचारी ही रहता शिशुपाल महादेव की सौगंध यदि ये मेरे प्रिय युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का समारोह ना होता तो मैं तेरी जीभ काट लेता ये आपका अपमान नहीं कर रहा पितामह ये मेरा अपमान कर रहा है इसे बोलने दीजिए अरे मुझे बोलने के लिए तेरी आज्ञा नहीं चाहिए समझा इस नपुंसक ने प्रस्ताव रखा और शापित पांडवों के पुत्रों ने झट से उसे स्वीकार भी कर लिया और ये उचक्का उस स्थान पर बैठ गया जहां बैठने का साहस कोई भी दास पुत्र नहीं कर सकता क्या ये द्रुपद से बढ़कर तुम्हारा हितैषी है क्या द्रोणाचार्य और कृपाचार्य से बड़ा आचार्य है क्या ये दुर्योधन अश्वत्थामा और कर्ण से बड़ा योद्धा है नहीं न ऋतुज है न राजा और न आचार्य तो फिर नंद गांव की गायों का दूध दोहने वाले इस ग्वाली को किस दृष्टि से तुमने पूजा की योग्य मान लिया आप सुन रही है ना बुआ अब मैं क्या करूं शिशुपाल यदि तो आप भी चुप न हुआ तो तेरी जीभ खींच लूंगा इसे बोलने दीजिए दाऊ आप भूल गए कि मैंने बुआ को क्या वचन दे रखा है 100 अपराधों तक मैं इसे अवश्य क्षमा करूंगा तुम्हें क्षमा करना हो तो अवश्य क्षमा करो मैं नहीं कर सकता इसने पितामह भीष्म का अपमान किया है इसने बुआ कुंती का अपमान किया है इसने तुम्हारा अपमान किया है और तुम यहां खड़े मुस्कुरा रहे हो मुस्कुरा नहीं रहा हूं दाऊ गिन रहा हूं यदि तुम्हें और कुछ कहना हो शिशुपाल तो कह डालो क्योंकि अभी तुम 3 अपराध और कर सकते हो अरे तू मुझे क्या डराता है रे मायावी और तू 3 अपमानों की बात करता है मैं यही खड़े खड़े 300 बार तेरा अपमान करूंगा और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा और तेरा मानी क्या है रे कि तुझे अपमानित करूं किन ये हुआ 98 तू एक तुच्छ चोर है ये हुआ 99 तूने महाराज कंस का नमक खाया और उनका ही वध कर डाला तू कृतज्ञ भी है ये हुआ पूरे 100 बोल क्या कहता है तू बस अब रुक जाओ शिशुपाल अरे तू तो एक बहरूपिया है जो राजाओं के वस्त्र पहनकर इस सभा में आ बैठा है Thank you.
आज मैं तुम्हारा ऋणी हो गया द्रौपदी। समय आने पर एक एक धागे का ऋण उतारूंगा। दिया दंड श्री कृष्ण ने किया खंड अभिमान, आंचल चीरे द्रौपदी बांध रही भगवान, बांध रही भगवान। प्रेमांचल में बंध गए दिया वचन फिर आप, इस ऋण के भुगतान को जग न सकेगा माप, जग न सकेगा माप।